तो बिग बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। उस वक्त बेहद अहम खबर आ रही है, आपको बता दें उच्च शिक्षा सचिव के साथ जेएनयू प्रशासन की बैठक हुई है। वाइस चांसलर को हटाने के मसले पर बैठक में किसी तरीके की कोई चर्चा नहीं हुई है, बैठक में सिर्फ रजिस्ट्रेशन पर ही बातचीत हुई है, चर्चा हुई है। तो बता दें कि जेएनयू वाइस चांसलर के साथ, आपको बता दें वाइस चांसलर हटाने के मसले पर इस बैठक में किसी तरीके की कोई चर्चा नहीं हुई है और इस बैठक में सिर्फ रजिस्ट्रेशन पर ही चर्चा हुई है। रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं, कहना है जेएनयू वाइस चांसलर का। डेट बढ़ाने की जरूरत अगर पड़ती है तो डेट को बढ़ाया जाएगा। जेएनयू छात्र के साथ भी होगी बैठक, जेएनयू के छात्रों के साथ भी बैठक होगी, उच्च शिक्षा सचिव की बैठक होगी। दोपहर 3 बजे ये बैठक की जाएगी। आपको बता दें कि दोपहर का 3 बजे का समय रखा गया है। अमित खरे 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, 3 बजे बैठक होगी और 4 बजे अमित खरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कविता जोशी हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कविता, क्या जानकारी आ रही है? देखिए, अभी जो सुबह 11:30 बजे जो हायर एजुकेशन सेक्रेटरी हैं अमित खरे, उनके साथ जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन की मीटिंग हुई थी। उसकी अध्यक्षता जो है जेएनयू के वीसी ने की थी, प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने। उसमें ये डिसाइड हुआ है कि जो पिछले बीते महीने 10 और 11 दिसंबर को जो जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन ने एचआरडी मंत्रालय को जो सूचना दी थी, जिसमें उसने कहा था कि वो जो है हॉस्टल फीस को लेकर के जो यूटिलिटी और सर्विस चार्जेस हैं उनको वापस लेगा और बाकी जो छात्रों की डिमांड होगी उनके साथ डिस्कशन करके उन पर भी जो है विचार किया जाएगा और रजिस्ट्रेशन की डेट जो है जो भी 12 जनवरी तक तय की गई है उसको अगर छात्र चाहेंगे तो उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। और वो जो सर्विस चार्ज और यूटिलिटी चार्ज जिन छात्रों ने अभी जो विंटर सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं उसके लिए भर दिया है ऑलरेडी, उसकी भरपाई जो है जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन यूजीसी के थ्रू करेगा। यूजीसी को इसके बारे में सूचित कर दिया गया है और कल ये जो सर्कुलर है उसको जेएनयू ने नोटिफाई कर दिया है। और दूसरा, अभी 4 बजे जो है वो अमित खरे जो हायर एजुकेशन सेक्रेटरी हैं उनकी मीटिंग है, जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के छात्र हैं और यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं उनके साथ उनकी एक बैठक होगी। 3 बजे के करीब वो बैठक होनी है और 4 बजे जो है सेक्रेटरी इसको ब्रीफ करेंगे। जी कविता, वाइस चांसलर को लेकर किसी तरीके की बात नहीं हुई है उनके पद को हटाने को लेकर? देखिए, सेक्रेटरी के साथ जो वीसी की और जो तमाम जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन के जो अधिकारी आए थे उनको हटाने के विषय को लेकर के कोई चर्चा फिलहाल नहीं हुई है। चलिए कविता, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि अमित खरे 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इससे पहले 3 बजे बैठक रखी गई है। आपको बता दें कि जेएनयू प्रशासन की बैठक हो चुकी है, अब छात्रों के साथ भी बैठक होगी, उच्च शिक्षा सचिव के साथ बैठक की गई है।